पीडब्ल्यूडी आरएनबी की रीस्ट्रक्चरिंग की गई है, रीऑर्गेनाइजेशन की गई है, और अब ये कहा जा रहा है कि एक चीफ इंजीनियर के बजाय 3 चीफ इंजीनियर होंगे। इसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट रियासी के सचिव तारिक बट जी अपनी बात रखना चाहते हैं, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं। बट साहब, 3 चीफ इंजीनियर होंगे ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी जानकारियां आ रही हैं, आपसे भी ये जानकारी हमें मिली है, क्या नुकसान होगा, क्यों, क्या आप इस पे ऑब्जेक्शन जता रहे हैं या क्या अंदेशा आप जता रहे हैं? अंशद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस मुद्दे पर बात करने के लिए कहा। देखिए अंशद जी, रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है ये कम से कम हमने इसमें 55-60 साल जदोजहद करने के बाद हमें एक रियासी डिस्ट्रिक्ट मिला था, और रियासी के लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई थी कि हमें ये जो डिस्ट्रिक्ट मिला। तो आज कल का जो ऑर्डर निकला है कि हमारा जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और उसके साथ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जो हैं उनमें रीऑर्गेनाइजेशन करके जो कुछ जो चीफ इंजीनियर है वो एक रजौरी में बैठेगा, एक शायद डोडा में बैठेगा, तो उसमें रियासी डिस्ट्रिक्ट को जो है वो रजौरी के साथ लगा दिया गया है। इससे पहले हमारा जो DGM JK बैंक का था वो भी रजौरी में रखा हुआ था, अब उसको उठाकर इन्होंने उधमपुर में पहुंचा दिया है, और फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो कंजर्वेटर था वो भी रजौरी में रखा हुआ है। हमें रियासी के लोगों को जम्मू जाने में सिर्फ 1.5 घंटा लगता है, और 1.5 घंटे के में हम अपना वहाँ काम करके फिर 1.5 घंटे में वापस हम आ जाते थे। हम 2 बार भी अगर जम्मू रोज का हमको जाना पड़े तो वहां जाकर हम अपना काम करके शाम को वापस घर आ सकते हैं। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि अब हमको जो है वो रजौरी जाना पड़ेगा, और रजौरी जाकर के हम अपना काम करवाएंगे, 4 घंटे तो हमें वहां जाने में लगेंगे, फिर 4 घंटे वहां हमें आने में लगेंगे, फिर वहां पर हमको जाकर सवाल ये है कि अब भी आपको कैसे पता है कि रियासी जो है वो जो चीफ इंजीनियर यहाँ के होंगे RNB के PWD के वो रजौरी में बैठेंगे या फिर रियासी को वहां के साथ जोड़ा जाए? गवर्नर काउंसिल में ये पास कर दिया गया है और गवर्नमेंट ऑर्डर निकल चुका है, ऑर्डर मैंने पढ़ लिया है, ये तो हो ही चुका है कि अब हमारा जो चीफ इंजीनियर PWD का है वो रजौरी में बैठेगा, और हमारा रियासी डिस्ट्रिक्ट को रजौरी के साथ लगाया है। हमें कोई भी काम चीफ इंजीनियर से करवाना हो उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट जैसे टूरिज्म है या और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट है वो भी उसमें मदगम कर दिए हैं। अब ये समझे कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो आधा सिस्टम जो है वो रियासी के लोगों को रजौरी जाना है, उसको हल करवाने के लिए हमें किसी किस्म का कोई सड़क का काम रखना है, चेक करवाया है आपने ये तमाम चीजों को जो आप ये बात कर रहे हैं किसी ऑफिशियल ऑर्डर निकल चुका है और वो जो है वो फ्लैश हो चुका है, वो लोगों तक पहुंच चुका है, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, और वो अब हमें रजौरी में जाना पड़ेगा, हर काम के लिए हमें रजौरी में जाना पड़ेगा। और हम ये समझ रहे हैं जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है या ये भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि यहाँ जो है वो डिवीजन लेवल दो डिवीजन जम्मू प्रांत में और बनाए जा रहे हैं, एक पीर पंचाल में बनाया जाएगा, एक खिता चनाब के अंदर बनाया जाएगा। ये तो लोगों की मांग थी ना कि डिवीजन लोगों क्या उस पर काम हो रहा है? लोगों की मांग, अगर पुंछ रजौरी वालों को डिवीजन चाहिए तो दे दें उनको, रियासी वालों को डिवीजन जो है वो जम्मू में रास आता है, हमें जम्मू 1.5 घंटे का रास्ता है, हमें जम्मू नजदीक है, हम जम्मू के साथ रहना चाहते हैं। अगर हमारे वोट हासिल करने के लिए मेंबर पार्लियामेंट की सीट जो थी वो उसमें हमें रियासी के तमाम वोटरों को जम्मू के साथ लगा दिया है, तो फिर चीफ इंजीनियर पुंछ का क्यों या रजौरी का क्यों या और कोई महकमे ये कंजर्वेटर फास्ट जो है वो भी रजौरी के साथ लगाया हुआ है, हमें काम करवाने के लिए रजौरी जाना है, लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, हमें मुजफ्फराबाद की तरफ भेज रहे हैं। ये बहुत गलत फैसला सरकार का है कि अगर सरकार ने इस किस्म की हरकतें की, इस किस्म के फैसले किए तो हमें रजौरी के साथ लगाया या पुंछ के साथ लगाया। रियासी की जनता ये कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी हम कबूल नहीं करेंगे इस बात को कि हमें रजौरी के साथ लगाया जाए या पुंछ के साथ लगाया जाए। भाई हम जम्मू के हम 1.5 घंटे का रास्ता है, रजौरी पुंछ हमें 6-7 घंटे का रास्ता है, फिर हमें रात को वहां पर रुकना पड़ेगा, वो कभी कभी भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और गवर्नमेंट को इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि रियासी के लोग जब सड़कों पर निकलेंगे तो ये 2-2, 3-3 महीने रियासी बंद रहती है, और रियासी के लोगों में इतना दम है टक्कर लेने के लिए। हम सरकार को कोऑपरेट करना चाहते हैं, सरकार के साथ कोई टक्कर नहीं लेना चाहते हैं, सरकार को रियासी के लोगों के जज्बात के साथ खेलना नहीं चाहिए, और हमें
ना डोडा के साथ लगाना चाहिए, ना हमें पुंछ रजौरी के साथ लगाना चाहिए, हमें जम्मू के साथ रखे ना। क्या तकलीफ है किसी को हमें जम्मू के साथ, क्यों नहीं रखा जाता हमें? हमें जम्मू नजदीक है, डिविजनल कमिश्नर भी हमारा जम्मू होगा, बाकी जितने भी प्रांत लेवल के जो दफ्तर हैं सारे हमारे जम्मू है, हमें जम्मू नजदीक पड़ता है, हमें जम्मू के साथ रखा जाए। लेकिन आपको क्या लगता है क्यों किया होगा? क्या तीन तीन जिले जो हैं, अगर डिवीजन भी बनाना है तो तीन तीन जिले जो है उसमें शामिल करने हैं कम से कम दो नए डिवीजनों में, तो इसलिए क्या रियासी को उसमें शामिल किया गया? के, रजौरी के चसाना जैसे इलाके जो हैं वो रजौरी के बॉर्डर पे बिल्कुल वो पास पड़ता है उन लोगों को। देखिए देखिए, अगर चसाना इसलिए किया होगा, अगर चसाना के लोग या मोहर के लोग वहां जाना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन रियासी के लोग वहां नहीं जाना चाहते। रियासी के लोग जम्मू के साथ रहना चाहते हैं, रियासी के लोगों का हर किस्म का कारोबार, रिश्तेदारी जो भी है वो खास करके जितना भी है वो सारे जम्मू के साथ जुड़ा हुआ है, और हमें यहाँ से उठाकर पुंछ रजौरी के साथ लगाएंगे, ये कौन सा इंसाफ है? लेकिन ये जो अगर चीफ इंजीनियर जो बनाए गए हैं, तीन ने बनाए गए हैं, आम लोगों को क्या वहां पर काम पड़ते हैं उस डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर के साथ, या बहुत कम, या कुछ ठेकेदारों को ही काम पड़ता है? क्योंकि दफ्तर तो यही रहेंगे ना, डेवलपमेंट के जितने जनरल काम होते हैं वो जो हेड होता है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं, लोगों को उनसे काम पड़ता है। यहाँ नीचे जो स्टाफ जहाँ काम करेगा, ये जहाँ से प्रोजेक्ट बना बनाकर भेजते हैं, लेकिन उसके बाद जो जो आम जनता का जो प्रेशर बनता है, आम जनता जो है वो डिमांड अपनी जब दोहराते हैं कि हमें ये चाहिए, तो वो आला अफसरान के पास जाना पड़ता है। हम जाते हैं डेपुटेशन लेकर, हम चीफ इंजीनियर के पास जाते हैं कि हमारी ये सड़क गलत बन रही है, या हमारी ये सड़क बननी चाहिए, या हमारा टूरिज्म का ये यहाँ पर बनना चाहिए। तो करना तो उन्होंने है, जिन्होंने करना है ये नीचे लेवल के जेई वगैरह जो है ये एक प्रोजेक्ट बनाकर भेज देते हैं, इनके पास ये पावर थोड़ी है कि ये खुद ही बनाएंगे, खुद लागू कर देंगे। उनके आला कमांड के पास जाना पड़ता है, बड़े अफसरों के पास जाना पड़ता है, तब जाकर के हमारे मसले हल होते हैं। हम क्यों जाएंगे रजौरी या पुंछ, हम क्यों जाएंगे डोडा या रामबन या किश्तवाड़, क्योंकि हमें जम्मू नजदीक है, हमें जम्मू के साथ रहना चाहते हैं। और मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाइयों, आपको क्या दुश्मनी है रियासी के साथ? क्यों रियासी को बर्बाद करने के पीछे पड़े हो? इस वक्त सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इस वक्त जम्मू कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर दबाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी वाले जो है वो जबान को ताला लगाकर बैठे हुए हैं, वो ये भी नहीं कहते कि हमारे पांव पे कुल्हाड़ी मारी जा रही है, हमारा नुकसान हो रहा है, रियासी का बेड़ा गर्क हो रहा है, और ये बोलते तक नहीं है। हम अपोजिशन करते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन हमारी सुनवाई कोई नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से ये अपील करता हूं कि भाइयों, इस रियासी को बचा लो, वरना आने वाला समय आपके लिए बहुत खराब होगा, आपको बहुत नुकसान होगा, ये आने वाली नस्लें आपको बर्दाश्त नहीं करेंगी। आने वाली नस्लें जो है ये आपको वो सबक पढ़ाएंगी कि रहती दुनिया तक आपको याद रहेगा, और पार्टियों के साथ आपका प्यार है बीजेपी के साथ वो रहे, वो आप उनको वोट देते हैं, हम नहीं कहते हैं आप बीजेपी को वोट मत दे दो, लेकिन रियासी की सवाल पर रियासी का बेड़ा गर्क करके पार्टी को मजबूत मत करो, इस रियासी को बचाओ, इस रियासी को के दफ्तर जो हैं वो बाहर मत जाने दीजिए, रियासी के लोगों को दाएं बाएं मत जाने दीजिए, हमारा सीधा रास्ता सीधा जो है वो जम्मू की तरफ जाता है, जम्मू के आगे हम दिल्ली की तरफ जाएंगे, हम यहाँ से रजौरी जाएंगे, रजौरी से हमें ना मुजफ्फराबाद जाना है ना पाकिस्तान जाना है, हमें क्यों उस तरफ धकेल रहे हो? ये गलत होगा, आप मुजफ्फराबाद बार बार, मैं कहता हूँ कि वो नजदीक है, देश का हिस्सा है, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, तो इसलिए वो मुजफ्फराबाद अगर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है तो हुकूमत वहाँ पाकिस्तान की है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पुंछ रजौरी भी देश का हिस्सा है, पुंछ रजौरी देश का हिस्सा है, मैं कहता हूँ कि वहाँ पर ये रियासत बना देना, तो पुंछ को रजौरी को मैं कहता हूँ जो बनाना बनाए, हम वेलकम करेंगे, जो बनाना है उनको जो देना है दें, लेकिन हम जम्मू के साथ रहना चाहते हैं। आपको दूर पड़ता है वो बात, आप रखें लेकिन उसको उसके साथ मत जोड़े। और अब आप ये अगर डिवीजनें अलग बनाई जा रही हैं और नई बनाई जा रही हैं तो इसका तो वेलकम करेंगे, अगर डिवीजन रियासी बना देना, अगर ऐसा रियासी बनाए डिवीजन उनको तो हमारे साथ लगा दे, बट साहब ये तो फिर राजनीति हो गई ना, ये तो आपको किसी भी चीज का विरोध करेंगे तो नहीं, तो नहीं, नहीं मेरा, मेरा डिवीजन बनाने के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट तो उसमें ऐड करने पड़ेंगे, तो एक डिस्ट्रिक्ट और बना दे वहाँ पर, सुंदरबनी को बना दे डिस्ट्रिक्ट, या नौशहरा को डिस्ट्रिक्ट बना दे, तो बनाए वहाँ पर, डिमांड भी है बनाए वहाँ पर। हम थोड़ी कह रहे हैं कि रजौरी या पुंछ में कोई डेवलपमेंट ना हो या वहाँ पर तमीर तरक्की ना हो, हम चाहते हैं कि वो डेवलप हो, लेकिन हम रियासी के सवाल पर किसी आप दूसरे को डेवलप करेंगे वो रियासी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी चलिए, तो आपको क्या लगता है अगर डिवीजन बनते हैं जी, दीपकाम अलग अलग बैठेंगे, फायदा होगा जनता को?
अपने बड़े ऑफिसर तक पहुंच उनकी आसान हो जाएगी, मुद्दे हल होंगे ज्यादा। तो इस स्टेप का अगर ऐसा होता है, अभी ये सवाल क्योंकि एक ऑर्डर ही जो आया उसके बिहाफ पर हम ये पूछ रहे हैं, चीफ इंजीनियर का जो ऑर्डर है, तो क्या फायदा होगा इसका? तो वेलकम करेंगे अगर ऐसा होता है। देखिए मैं कहता हूँ डेवलपमेंट डिवीजन अगर बनेंगे, अगर डोडा में आपको क्या लगता है डिवीजन बनेंगे तभी ये शुरुआत हुई है? ये शुरुआत इसी बात की है, ये धीरे 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 यही कर रहे हैं। और तो वो तो अच्छा ना, अगर डिवीजन अच्छी बात है, मैं कहता हूँ डोडा में डिवीजन बनेगा अच्छी बात है। हाँ, ये वेलकम करेंगे। रजौरी में बनाए, पुंछ रजौरी पर बना दें, इस पर बहुत बड़ा इलाका है वो। वेलकम करेंगे डिवीजन अगर बनते, डिवीजन बनेंगे हम वेलकम करते हैं। अगर डिवीजन बनते हैं वेलकम करते हैं, लेकिन अगर कोई हमें रियासी को जम्मू के साथ रहने दे ना, 70 किलोमीटर रियासी है और रजौरी 150 किलोमीटर है, डोडा यहाँ से 200 किलोमीटर है, हमें 150 किलोमीटर जाना अच्छा है, 200 किलोमीटर जाना अच्छा है, या 70 किलोमीटर जम्मू जाना अच्छा है? रियासी के लोगों को हर लिहाज से जम्मू बारा रहता है, हमारा हर दफ्तर जो है तो बड़े लेवल के बहुत से गांव हैं, उन्हें तो वो पास पड़ेगा, या फिर आपको लगता है वो भी इसी रूट का ज्यादा? पौनी तहसील को भी नहीं, पौनी तहसील को भी ये नजदीक है, पौनी से 125 किलोमीटर रजौरी है, पौनी से पौनी को, पौनी वालों को थोड़ी रास आता है, पौनी वालों को जम्मू ठीक रहता है, रियासी वालों को जम्मू ठीक रहता है। मैं तो ये कहता हूँ ये माहौर अरनास वाले जो लोग हैं, ये ऊपर वाले लोग हैं, इनको भी जम्मू ही रहता है, क्योंकि इनका सारा कारोबार, सारा बिजनेस, सारा दारोमदार जम्मू के साथ जुड़ा हुआ है, मार्केट जम्मू है, हम जम्मू में जाना चाहते हैं, जम्मू से अपना रابطे रखना चाहते हैं। ये उल्टा सीधा, कभी हमारा फॉरेस्ट जो कंजर्वेटर है वो रजौरी में, और जो हमारा ये क्या तमाम बातें पुख्ता बातें आप बता रहे हैं, कुछ इसमें जानकारी? बिल्कुल, ये पुख्ता बातें हैं। और मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि रियासी के लोगों को इम्तिहान में मत डालिएगा, अगर आपने कोई डिवीजन बनाने हैं हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू के साथ रखा जाए, जिस तरह अपने मेंबर पार्लियामेंट के वोट लेने के लिए रियासी डिस्ट्रिक्ट को जम्मू के साथ रखा है, हम वेलकम करते हैं, उसी तरह से हर लिहाज से रियासी डिस्ट्रिक्ट को जम्मू के साथ रखा जाए, ना कि पुंछ रजौरी या डोडा किश्तवाड़ के साथ। चलिए, अगर फैसला वापस नहीं होता है तो क्या आपका स्ट्रेटजी? अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो इसका जबरदस्त विरोध होगा, और उसमें देखा जाएगा फिर क्या होगा कि रियासी के लोग इतने कमजोर नहीं है, रियासी के लोग टक्कर लेना भी जानते हैं, सरकार से टकराना भी जानते हैं और अपना हक लेना भी जानते हैं। लेकिन लगातार नेता जो है भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं, तो कौन लोग विरोध करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं आए दिन लोग बड़े नेता भी और उनके कार्यकर्ता भी। देखिए, देश की आजादी के लिए करोड़ों लोग शहीद नहीं हुए, देश की आजादी के लिए सैकड़ों लोग शहीद हुए थे, और देश करोड़ों में था, जो जाता है बीजेपी में जाए, अगर बीजेपी में जो लोग जा रहे हैं तो उसमें इंसान की अपनी मर्जी है, जमहूरियत है, जिसको जो रास आता है वो वहां पर जाए। अभी वो गुमराह हुए हैं वो लोग, उनको पता नहीं चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के, अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे, अगर जब उनको पता चल जाएगा कि ये काम अच्छा नहीं कर रही है तो लोग उनसे भाग जाएंगे। वक्त था, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी जमात की सरकारें रही हैं, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, जब देखा कि हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, लोगों ने हमको लटका दिया, उतार दिया इख्तदार से, अब इन्होंने अच्छे काम किए थे तो इनको लाया, अब ये बुरे काम करेंगे तो लोग हटा देंगे इनको भी। चलिए, माइनिंग वाले इशू का क्या हुआ, जो मुद्दा आप उठा रहे थे, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई, उस मुद्दे पर क्या आगे लड़ाई बढ़ रही है? जहां तक जहां रुक गए आप वहां, अच्छी बात आपने की, अच्छा सवाल आपने किया। जहां तक माइनिंग का सवाल है, मैं कहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की नाक पे मुंह पर नाक ही नहीं है, और ना ही यहाँ रियासी के बड़े बड़े लीडर जो है वो बोल रहे हैं, क्योंकि रियासी के बड़े लीडर कुछ ऐसे लीडर हैं के जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो वे लूट खसूट में शामिल हैं, इसलिए जितना मर्जी चिल्ला लो, एडमिनिस्ट्रेशन की कान में जू नहीं रखती है। 10 से 15 लाख रुपए की रोज की चोरी एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके जो है कुछ लोग कर रहे हैं, इसलिए कोई एक्शन नहीं होता, कोई पूछने वाला नहीं है। आपको मैं बता देता हूं, लेकिन आरोप आप पे भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो सामने आई। देखिए मेरी बात सुनिए, आरोप किस पे लगे? मुझे इस बात का खतरा है कि कहीं मुझे मिलिटेंट बनाकर धरना दे दें। यह आरोप जो आरोप जो मुझ पे लगाया गया है ना, मेरी उसके साथ मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं है, और ना ही कोई, अगर मुझ पे ऐसी बात होती तो मैं चुप करके घर में बैठता, मैं इनके खिलाफ बात तक नहीं करता। और मैं ये कह रहा हूँ, अब आपकी लड़ाई कहाँ पहुंची, आगे बढ़ी है? मेरी लड़ाई अभी, मैंने कुछ बहुत सारा रिकॉर्ड इकट्ठा कर लिया है, एनजीटी में भी अभी मैं और भी रिकॉर्ड इकट्ठा, अभी मैंने एक आरटीआई मैंने डिप्टी कमिश्नर को लगाई है, मैं और रिकॉर्ड ले रहा हूँ, और ये वहाँ ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वहां भी जा रहा है ये केस,
और हाई कोर्ट में भी जा रहा है, और अभी कुछ कागजों की जरूरत है, और मैंने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को एप्लीकेशन लग चुकी है वहां पर कि ये जो अंजी नाला में माइनिंग की वजह से जो वहां पर गड्ढे निकाले गए थे जिसमें एक 8-9 साल का बच्चा डूबकर मर गया था, वो एडमिनिस्ट्रेशन की नलायकी थी, वो माइनिंग डिपार्टमेंट की नलायकी थी, वो ठेकेदार की नेग्लिजेंसी, इनकी इनकी सारी नेग्लिजेंसी की वजह से वो बच्चा डूबकर मर गया, और 1,00,000 रुपया उसके अकाउंट में, उसके बाप के अकाउंट में डाल करके उसकी जबान बंद करने की कोशिश की गई है, और ये कत्ल हुआ है, और इनकी वजह से इन पे 174 की कार्रवाई हमें नहीं चाहिए, उस बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, उसमें उसमें कानून के मुताबिक जो भी एक्ट लगता है, जो भी दफा लगता है, उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये सीबीआई में भी जा सकता है केस, ये हाई कोर्ट फैसला करेगा। राजौरी में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कुछ जुर्माना किया है, वो जानकारी में है आपकी क्या? तो क्या आपको उम्मीद है कि रियासी के केस में भी वैसा हो सकता है? राजौरी के अंदर जो 7-7 करोड़ रुपया जिन क्रैशर वालों को जुर्माना हुआ है, एनजीटी ने ही किया है। हाँ हाँ, एनजीटी ने किया है, इसीलिए हमने सारा कागजात वो तैयार कर लिए हैं, और हमारे पास इतना रिकॉर्ड मैंने इकट्ठा कर लिया है कि मैं आपको बताता हूं, जरा इनको पूछो कि कितने एफआईआर लगाई हैं आपने जो इलीगल माइनिंग के लिए। अभी पिछले दिनों रात को एक कंपनी यहाँ बक्कल के पास एक पहाड़ खोद करके वो लगा रहे थे, यहाँ ये नहीं पता चलता कि वो रेत लगा रहे हैं, वहां पर मिट्टी लगा रहे हैं पत्थर पर, कौन सा पत्थर पास है, कौन सी रेत पास है, इसका कोई देख रेख जो है वो है नहीं है, अंधेर गर्दी पड़ी हुई है, लूट पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला जो है वो नहीं है, और लोगों के जानो माल से खेला जा रहा है, लोगों के जाने खतरे में, ये टनल जो बने हुए हैं यहाँ पर, इन टनलों के अंदर ड्रम डाले गए हैं, ड्रमों के बाहर से कंक्रीट किया गया, बड़े आरोप आप लगा रहे हैं, मैं साबित कर पाएंगे? बिल्कुल साबित कर पाऊंगा। आप ये कह रहे हैं कि ये टनल जो बने हैं उनमें ड्रम डाले गए, क्या पर्टिकुलर एक साइड की किसी की बात कर रहे हैं आप, एक टनल की बात कर रहे हैं या फिर और भी टनल? देखिए, जिस टनल का मुझे नॉलेज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ पर्टिकुलर बात, क्योंकि ये बड़े आरोप, मैं कहता हूँ कि बैठे बिठाओ सीबीआई, मैं साबित कर दूंगा, यहाँ से उखाड़ो, वहां से ड्रम निकालूंगा, खाली T5 ये जो ग्राम मोड़ में टनल जो बना है इसके अंदर ड्रम लगाए हुए हैं। ड्रम आप क्या कह रहे हैं? ड्रम खड़े करके बाहर से कंक्रीट की हुई है, और जब जो रेल के चलने से वाइब्रेशन होगी वो बैठ जाएगा पहाड़, ये टनल खतरे में है, यहाँ लोगों की जाने इसमें खतरे में। आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे कंक्रीट डलना था, हाँ, वहां पर ड्रम का इस्तेमाल किया गया, खाली ड्रम का, खाली ड्रम रखे हुए हैं ताकि कम कंक्रीट यूज हो। बिल्कुल 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 बड़े आरोप है भाई साहब। देखिए, मैं तब तक कोई काम नहीं करता हूं जब तक मेरे पास कोई सबूत ना हो। मैं निशानदेही करूंगा कि यहां से उखाड़ो, अगर वो ड्रम नहीं साबित निकले तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि सरकार 182 करे और मुझे हथकड़ियां लगाए, मुझे अंदर दे दे के मैंने गलत स्टेटमेंट दिया है। होगी कार्रवाई जो आरोप आप लगा? मुझे लगता नहीं होगी, क्योंकि मिली भगत है, ये लुटेरे लूट रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। रेलवे का जब काम चल रहा था आपकी सरकारें भी रही है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल तब तो कुछ नहीं उठाया आपने। बिल्कुल नहीं, तब था ही नहीं, तब सरकारें, तब था ही नहीं, तब था ही नहीं, जब ड्रम पड़े हैं वो बाद में ड्रम, जब ड्रम पड़े, जब हमें पता चला वो मैं दिखाऊंगा उसको। वीडियो प्रूफ है आपके पास? मैं वीडियो मैं कहता हूँ वीडियो प्रूफ का मतलब ही नहीं, मैं निशानदेही करूंगा कि यहाँ ड्रम है, निकाले खोदे वहां से, और खाली ड्रम ही नहीं, बहुत महंगी पाइप होती है जो जापान से या चाइना से आती है, जो पूरी पूरी डालनी होती है, इन्होंने आगे से उसके 2 फुट का टोटा काट करके वो लगा करके सिर्फ वो दिखाया है कि ये पाइप है, उसके पीछे पाइप है ही नहीं। चलिए, ये भ्रष्टाचार के बड़े आरोप तारिक भट्ट जी लगा रहे हैं, हालांकि बात जो थी वो थी पीडब्ल्यूडी के आरएनबी के जो चीफ इंजीनियर टीम बनाए गए हैं, रिकंस्ट्रक्शन की गई है और रीऑर्गेनाइजेशन जो की गई है, माफ करिए रिकंस्ट्रक्शन नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन जो की गई है उस पर बातचीत कर रहे थे, और उस पर इन्होंने बोला है कि इन्हें अंदेशा ये है कि 3 सब डिवीजन जो है, माफ करिएगा, डिवीजन जो है जम्मू के किए जा रहे हैं और उसके तहत जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। अब ये तो मुकम्मल तौर पर नहीं पता है कि यही कुछ हो रहा है, लेकिन एक ऑर्डर जो है उसके तहत जम्मू प्रॉमिस के अब 3 चीफ इंजीनियर होंगे पीडब्ल्यूडी आरएनबी डिपार्टमेंट के, उस पर बातचीत चल रही थी, और इनका कहना है कि रियासी का चीफ इंजीनियर जो है वो जो राजौरी का चीफ इंजीनियर होगा वो होगा, और इस बात से इन्हें दिक्कत है। इनका ये कहना है कि लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा अगर चीफ इंजीनियर राजौरी वाले रियासी के भी बनते हैं, रियासी का चीफ इंजीनियर जम्मू में होना चाहिए। और इसके अलावा
रेलवे जो कंस्ट्रक्शन हुई है, जो टनल ग्रामोड में है, T5 है, ये श्योर है, पुख्ता है, उसमें कुछ ड्रम्स का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कंक्रीट मटेरियल पड़ना था, वहां पर ड्रम डालकर कंक्रीट को बचाया गया है, कंक्रीट मटेरियल को, ताकि पैसा बचाया जा सके। और इसके अलावा कुछ पाइप का आरोप भी इन्होंने लगाया कि जो पाइप वहां पर डलनी थी वो पर्याप्त रूप से नहीं डाली गई है, कुछ जगहों पर वो डाली गई है दिखाने के लिए। तो ये बड़े आरोप हैं जो रेलवे कंपनीज यहाँ पे निर्माण कार्य करवा रही थी। इनका ये भी कहना है कि आरोप तो ये लगा रहे हैं, लेकिन इन्हें उम्मीद कम है कि उस पर कार्रवाई होगी। हम ये आरोप नहीं लगा रहे, आरोप इनकी तरफ से है, लेकिन अगर जांच हो तो इनका कहना है कि ये बताएंगे कि कहां कहां ड्रम्स का इस्तेमाल हुआ है। हम उम्मीद और तवक्को ये करते हैं कि जो आरोप इन्होंने लगाए हैं, क्योंकि ये चीजें पहले भी ऐसी चलती थी कि इस तरह से हुआ है, कुछ वीडियोस विजुअल्स जो हैं वो भी व्हाट्सएप पर आते थे, तो अगर इंक्वायरी होती है तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। उम्मीद और तवक्को यही करते हैं, इनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर इंक्वायरी होगी। और इसके अलावा माइनिंग के सवाल पर इनका कहना है कि NGT में भी इन्होंने जो केस है वो करने जा रहे हैं। आप बिल्कुल, जब तक इन्हें पूरी जानकारी मिलती है उसके बाद ये केस जो है वो करने जा रहे हैं, और इन्हें उम्मीद है कि NGT ये जो अवैध माइनिंग यहाँ पर हो रही है उस पर कार्रवाई करेगा। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही, मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।